मतलब गुंडागर्दी करेंगे है ना, बुलडोजर चलाएंगे, गुंडागर्दी कर देंगे, उल्टा लटका देंगे। अरे केंद्र से ईडी आईटी तो आपका भैया, उल्टा उल्टा लटकाओ सीधा लटकाओ, क्या कर क्या रहे हैं यहाँ? मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि यहाँ ईडी वाले, ईडी के अधिकारी कर्मचारी रात रात भर सोने नहीं देते, टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं कि आप इस पेपर में हस्ताक्षर करो नहीं जेल जाओ। तो कर ही रहे हैं, वही उसी बात को बोल रहे हैं। और जेल भेजने से और ज़्यादा क्या कर लेंगे, भेजित रहे हैं सबको, डरा डरा के भेज रहे हैं। अब वो केस है ही नहीं, तो पहले आईटी जांच करती है, फिर उसी की ईडी जांच करती है, अब कोर्ट में लगा दी, वो सीबीआई जांच करे। मैं बोल रहा हूँ कि इंटरपोल को दो, अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियाँ हैं उसको दे दो आप। और दूसरी बात ये है कि जो ये जो सट्टा वाले हैं, महादेव ऐप, यहाँ हमने कार्रवाई की, देश में और कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई और सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, पैसा भी जब्त किया, गैजेट भी जब्त किए, उसमें मोबाइल और टैबलेट भी, लैपटॉप भी जब्त किए। आप क्या कर रहे हैं? हमने तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया, तो आप पकड़ के लाओ और महादेव ऐप बंद करो। आप कहते हो ना कि कौशल उन्नयन योजना के तहत आप सट्टा खिला रहे हैं, तो आप तो जीएसटी ले रहे हो उसमें, सट्टे में, जुए में आप 28% जीएसटी लगा रहे हो, तो उसको कब बंद करोगे? और दूसरी बात, जितना भी आप मोबाइल में आप देखो वो सब आ रहे हैं, उसको कब रोक लगाओगे? और सबसे बड़ी बात ये, महादेव ऐप जब हमने सर्कुलर जारी कर दिया, ईडी जांच करने आ गई, तो आज तक के वो बंद क्यों नहीं हुआ? महादेव बंद कौन करेगा? राज्य सरकार तो नहीं करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो गृह मंत्री बताएं कि बंद क्यों नहीं हो रहा है, और बंद नहीं कर रहे तो उसका कारण क्या है, ये बताए गृह मंत्री। बिल्कुल, हम लोग अभी देखिए बहुत जल्दी यहाँ पे जो होलसेल मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, होलसेल मार्केट रायपुर में 1000 एकड़, बहुत जल्दी से शिलान्यास करेंगे, बहुत जल्दी से, पूरी तैयारी हमारी है। अमित शाह चले गए लेकिन उठा पटक अभी तक अचानक सरायपाली से वापस कार्यालय पहुंचे, जब कुछ देर एयरपोर्ट से दिल्ली जाना था। हाँ, कार्यालय पहुंचे, मंसूख जी गुजरात पहुंच गए, वापस आए, और यहाँ अब इनके जबान भी बिगड़ते जा रहे हैं, रमन सिंह आरोप पत्र घोषणा पत्र कर रहे हैं, है ना, और इनको विश्वास है ही नहीं खुद पे, तो इस कारण से अब उनके कार्यकर्ता विश्वास नहीं कर रहे हैं, जनता तो विश्वास करती ही नहीं है, वही तो कहना, उतने कार्यकर्ता नहीं जुटे। गृह मंत्री एक रात भर एक दिन पहले आ गए हैं, तब वो जुट नहीं पाए कार्यकर्ता, वही तो मैं कह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को ही विश्वास नहीं भारतीय जनता पार्टी के, तो हमको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है।